लास्ट क्वेश्चन जांच करने के लिए राखी जी तो इतना सेंसेशन भी कर देती है कि वो जांच का पहले तो एफआईआर ले लेगा, वो तो एफआईआर होने से पहले आके मीडिया के साथ खड़ी हो जाती है, देखो मैं आदिल पे क्या कर रही हूँ, आदिल मुझे डांट रहा है, गाली दे रहा है, मार देगा, वो भी क्या करेंगे ऑफिसर्स। तो एनसी करने पर एफआईआर क्यों किया? उन्होंने एक प्रॉपर नंबर दिया था, गवर्नमेंट का नंबर, सुप्रिंटेंडेंट का नंबर दिया था और कहा था एफआईआर। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए इतना अच्छा लॉ बना के रखा हुआ है हमारे संविधान में, पहले एफआईआर इंक्वायरी। अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, वो केस भी मेरे पे रद्द हो जाएगा, बिकॉज अभी वो जो ऑफिसर को भी बुलवाएंगे, वो आके बोलेंगे कि नहीं आदिल ने कोई धमकी नहीं दी थी, ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी उन्होंने भी चार्जशीट मुझे लगता है दो दिन पहले फाइल की है कि उसको जो बी रिपोर्ट बोलते हैं, बी रिपोर्ट, बी समरी वो करने वाले हैं कि ये एक झूठा केस है। आराम से एक एक जन बोलो, सबसे पहले तनु चंदल की जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ मेरी दोस्त है, हम एक प्रोजेक्ट में साइन थे, हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर ने हमने साइन किया था, हम रिहर्सल्स के लिए मिलते थे, ये सब था। और जो भी राखी ने आपको पिक्चर दिए हैं वो राखी का कोई स्पाई कैमरा नहीं था, मैं ही पिक्चर्स क्लिक करके राखी को भेजता था, बिकॉज वो मेरी वाइफ है, कि राखी मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और तनु चंदेल से राखी एक दो बार मिल भी चुकी थी, मैंने उनको ऑलरेडी मिलाया भी था कि राखी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। राखी ये चीज़ों को ठीक तरीके से जानती थी कि क्या होने वाला है। राखी ने इसको प्रॉपरली ऐसे पोर्ट्रे किया कि आदिल की गर्लफ्रेंड है चन्नू चंदेल और व्हाटएवर, और उसने मीडिया में डाला और व्हाटएवर शी डिड। क्यों? जब मैं था तब करना था ना, जेल में भेजने के बाद तुम ये क्यों कर रही हो, फ्रेम कर रही हो? अगर मैं अभी भी बोल रहा था राखी को, अगर तुम में सच्चाई थी तो तुम एक अच्छे कॉन्फ्रेंस बुलाती, बैठ के मुझसे बात कर लेती, डिबेट कर लेती। तुमको क्या इतना जरूरत था कि तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजो और पीठ पीछे बोलो कि आदिल वहां से आवाज ना उठा पाए। अच्छा सबसे बड़ी बात एक और थी, जब ये केस चल रहा था तो जितना भी एलिगेशन राखी जी करती थी आप लोगों सामने, जो भी एविडेंस प्रूफ सामने आप लोगों को देती थी, तो दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज कि जब मैटर चल रहा है प्रॉपर अथॉरिटी कौन है उसको, या तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ऑनरेबल कोर्ट है, आपको वो सारे एविडेंस जो भी इनके अगेंस्ट में थे आप या तो पुलिस को सब सबमिट करनी चाहिए या तो अपने लॉयर को लेके कोर्ट में सबमिट करना चाहिए था। तो उसमें से एक भी एविडेंस कभी कोर्ट के सामने ना आया, ना ही पुलिस के सामने। वो कह रही थी कि आप सूटकेस से सामान निकाल के तनु के रहने चले गए, वो क्या चक्कर है इधर? ना इधर चक्कर। एंड आल्सो देयर वर चैट्स इन व्हिच यू वर टेलिंग तनु दैट आप बहुत जल्द राखी से डिवोर्स लेके उनके साथ शादी करेंगे। चैट्स क्या आप मुझे चैट्स प्रूफ कर सकते हो? क्या वो मेरा नंबर था, आप मुझे प्रूफ कर सकते हो? राखी ना इतनी स्मार्ट मास्टरमाइंड क्रिमिनल है ना, वो नंबर वही रहता है, एडिट में जाके नाम बदल देती है, चन्नू तंदेल, आदिल खान दुरानी, भाई जान, आदिल वन, ये बहुत अच्छे से खेलती है, उसको पता है क्या करना है। वो मेरा नंबर है क्या? वही चैटिंग कर दे, दोनों फोन उसके ही, तनु भी राखी, आदिल भी राखी, एविडेंस आदिल। ये राखी ने क्यों नहीं किया जब मैं बाहर था यार? अच्छा ये पूछो ना, आप मानते हो राखी अच्छी है? तो पीछे खड़ा हो, यही सवाल दोबारा आप मुझे पूछते हैं तोड़ के, वही सवाल। आदिल भाई।